ओपी राजभर को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, विधानसभा चुनाव में तमाम वोट कटवा दल आते जाते रहते हैं, भाजपा पर इसका कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। वाराणसी में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, भाजपा ने नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है राम मंदिर, पेट्रोल डीजल का दाम कम करने को बताया चुनावी स्टंट। देहरादून में कांग्रेस ने देवस्थानम वोट भंग करने को लेकर गांधी पार्क पर दिया धरना प्रदर्शन। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों से की गई अभद्रता को लेकर भी जताया विरोध। प्रीतम सिंह ने कहा, देवस्थानम वोट पर कोई फैसला नहीं ले पा रही सरकार। खटीमा में प्रदेश के सभी बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वॉल पेंटिंग कर भाजपा का प्रचार किया। इस अभियान के तहत खटीमा दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा विधानसभा के नगर तरई स्थित बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत वॉल पेंटिंग कर इस अभियान की शुरुआत की। ललितपुर में शासन प्रशासन की सख्ती के बाद भी नहीं रुक रही खाद की कालाबाजारी। निर्धारित रेट से 100 रुपए अधिक में दुकानदार बेच रहा है खाद, विजय हुआ वायरल। लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर चार दिन से धरने पर बैठे विधायक राकेश प्रताप सिंह को एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। पुलिस ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर समर्थकों के साथ सिविल अस्पताल भेजा। सड़क बनवाने को लेकर इस्तीफा देकर धरने पर बैठे थे विधायक राकेश प्रताप सिंह। बागपत में बकाया गन्ना भुगतान न होने से नाराज किसान। कृष्णा नदी में खड़े होकर हाथों में गन्ना और दीपक लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार और शुगर मिल पर निकाली भड़ा। हरिद्वार में 20 दिन से बंद गंग नहर से छोड़ा गया पानी। गंग नहर बंद होने से हो गई थी पानी की किल्लत। हर साल 20 दिन पहले गंग नहर को सफाई के लिए किया जाता है बंद। बिजनौर में दिवाली के दिन आतिशबाजी छुड़ाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडे चलने से एक युवक की मौके पर मौत, दो तीन लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हापुड़ में बच्चों के पटाखे जलाने के मामूली विवाद में एक ही समुदाय के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने जमकर किया पथराव और फायरिंग। एक युवक को लगी गोली। खटीमा में सड़क निर्माण में लापरवाही। ब्लॉक के भक्चुरी गांव से नौसर गांव तक लाखों की लागत से बन रही सड़क बनने के साथ ही टूटनी शुरू। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने मामले की जांच कर कार्रवाई की कही बात। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 8 नक्सली गिरफ्तार। जहरीली शराब पीने से बिहार में अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है। गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने के कारण 17 लोगों की जान गई। इसके अलावा बेतिया में भी 11 लोगों ने शराब पीने के बाद दम तोड़ दिया। जहरीली शराब पीने से बिहार में अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है। गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने के कारण 17 लोगों की जान गई। इसके अलावा बेतिया में भी 11 लोगों ने शराब पीने के बाद दम तोड़ दिया। भारत 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर के क्षेत्रीय सम्मेलन की करेगी मेजबानी। इस बैठक की अगुवाई एनएसए अजीत डोभाल करेंगे। चीन, रूस और पाकिस्तान को नियुक्त। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे का बयान। खाद्य तेलों की कीमतों में आई काफी गिरावट। कई जगहों पर 20, 18, 10 और 7 रुपए तक घटी कीमत। ताड़ का तेल, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और सभी प्रमुख तेलों की कीमतों में कमी देखी गई। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए राहत की खबर। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। सिद्धू ने इस दौरान अमरिंदर सिंह पर हमला बोला। चीन में प्रदूषण ने बढ़ाया खतरा। बीजिंग में धुंध की वजह से 200 मीटर हुई विजिबिलिटी। सड़कें और स्कूल के खेल मैदान बंद।